नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोतिया द रीजनिंग गुरु में। आज संडे स्पेशल में एक छोटी सी वीडियो लेके आया आपके लिए, जिस वीडियो में आप सीखेंगे कि हमें कहते ना मन के हारे हार है, कि आप हार मान लोगे तभी हारे, वरना आपकी कभी हार नहीं होगी। तो कहानी है एक बच्चे की जो पूरी शिद्दत से पढ़ता है जी। उन बच्चों के लिए, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए जरूरी है। कि एक बच्चा खूब मन से तैयारी करता है, बहुत अच्छे से पेपर देता है, लेकिन उसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो बड़ा रोता है कि सर मैंने दिन रात एक कर दिया, मैंने खूब पढ़ाई करी, मैंने सब कुछ किया, तो क्या फायदा मेरी पढ़ाई करके, सच्चा मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाई, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब ये बात पता चलती है उसके गुरुजी को, जो उसके शिक्षक भी हैं, उसके मार्गदर्शक भी हैं, तो उन्हें लगता है कि बड़ा दुखी रहने लगा बच्चा, बेचारा डिप्रेशन में चला गया, कुछ पूछे नहीं, कुछ करे नहीं। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू मेरे घर आ शाम में। वो उसके घर गया, जब घर गए टीचर के घर आया तो घर पे उसने पूछा टीचर ने कि बेटा क्या हो गया, क्यों इतने दुखी हो? तो बोलता है सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिल से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने खूब दिन रात एक कर दी, उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुजी ने सुना, बात सही लगी, और हम लोग सभी लोग यही करते हैं कि जब कोई चीज में हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम लोग हार मान के बैठ जाते हैं। तो गुरुजी ने क्या कहा कि एक काम कर बेटा, वो अपने पीछे पीछे बोले मेरे पीछे पीछे आओ, वो पीछे पीछे ले गए अपने गार्डन में लेके गए। वहां उन्होंने दिखाया एक पौधा जो कि टमाटर का पौधा था, टमाटर का पेड़ था जो सड़ चुका था। अब उन्होंने उससे बोला कि बेटा मैंने इसमें सही टाइम पे पानी दिया, खाद दिया, धूप दी, सब कुछ दिया, अच्छे से रखा, उसके बावजूद ये सड़ गया। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोले गुरुजी क्या फायदा है पौधे लगा के, छोड़ो इतनी मेहनत करी आपने, सब कुछ किया, उसके बावजूद अगर फल नहीं मिला आपको तो क्या फायदा हुआ आपकी मेहनत का? गुरुजी बोले हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तो गुरुजी बोले कि एक काम करो, अब जरा तुम इस साइड देखो, एक कमरे के उन्होंने इशारा किया, बोले इस कमरे को गेट खोलो और जरा देखो। जैसे इस बच्चे ने कमरे का गेट खोला, क्या देखता है? बच्चा देखता है कि कमरे के अंदर टमाटर का ढेर लगा हुआ है। अब वो शौक हो जाता है, बोले गुरुजी ये कैसे, पेड़ तो खराब हो गया। तो गुरुजी उसको जो सुंदर जवाब देते हैं सुनिएगा कि बेटा मैंने खाद सिर्फ एक पेड़ को नहीं देती, मैंने पेड़ों को, एक पेड़ खराब हो गया, मैंने मेहनत करी, पौधे लगाए बहुत सारे, एक पेड़ खराब हो गया मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मेहनत खराब गई। ऐसे ही आपकी लाइफ में आपने तैयारी करी और आपका किसी पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं आपकी मेहनत बेकार चली गई। जो आपने तैयारी करी है वो जरूर आपके काम आएगी, लेकिन हम लोग नकारात्मक पहलू देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि मैंने तैयारी करी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम ये नहीं देख रहे कि मेरी तैयारी अच्छी हो गई। जैसे कि आप जानते हो थॉमस एडिसन, आपने सबने सुना होगा कि उसने 9999 बार कोशिश करी लेकिन वो फेल होता रहा। सीखा कब? जो कामयाब कब हुआ? 10,000वें एक्सपेरिमेंट जब उसने किया तब वो कामयाब हुआ। तो उससे आपने क्या सोचा, अगर वो हार मान के बैठ जाता पहली बार में, क्या इतनी कोशिश कर रहा हूं नहीं हो रहा, तो क्या सीख पाता? लेकिन अगर आपने उसके विचार सुना, उसने क्या बोला कि मैंने ये सीखा 9999 बार जब मैं नहीं बना पाया तो मैंने ये सीखा कि किस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। यानी कि आप अगर किसी एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुए तो आपको ये पता चला कि मेरी क्या कमी रही, मैं क्या नहीं कर पाया, मैं किस वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया, आप ये सीखते हो। आप कभी हारते नहीं हो। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, दिल से तैयारी कर रहे हो, तो आप बेफिक्र रहो अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये सीखो। गलती अगर हो रही है आपसे तो आप बस ये सीखो कि अगर हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, है ना। ये मत सोचो कि नहीं हुआ, हार मान जाओ, नहीं हार नहीं माननी हमें, हमें कोशिश करनी है और सेलेक्ट होके रहना है। अगर हम रह गए किसी वजह से तो बस ये सोचना है कि हम क्यों रह गए। मेहनत अगर रह गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब छोड़ देंगे हम लोग, तो हमें बस ये सीखना है कि हमें कैसे करना है। थॉमस एडिसन हो गया, ऐसे आपने सुना होगा मैकडोनल्ड वाला हो गया, KFC वाले हो गए, जो बुजुर्ग हैं जो बने हुए आते हैं, उन्होंने कितनी लाइफ में जाके कब शुरू करी, उससे पहले कितनी बार वो फेल हुए। तो आपको इन सभी लोगों से, बहुत सारे लोग हैं जिनसे सीख लेनी चाहिए। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें उन लोगों से, इस कहानी से सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी। अगर किसी कारणवश हमारी मेहनत करने के बावजूद हम सफल नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हम फेल हो गए। पेपर क्लियर करना एक अलग है। पेपर क्लियर करने में स्पीड भी चाहिए होती है, आपकी मनोस्थिति भी चाहिए होती है, आपकी नॉलेज भी चाहिए होती है। पेपर क्लियर करना और नॉलेज होना दोनों अलग बात है। आपने पढ़ा, आपको नॉलेज हुई है, वो नॉलेज जरूर आपके लाइफ में कभी ना कभी काम आएगी, आगे काम जरूर आएगी। देखो अगर आप मैराथन दौड़ रहे हो ना, लंबी मैराथन दौड़ रहे हो, तो कौन तेज दौड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन ज्यादा दौड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप ये सोचो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ज्यादा दौड़ना है हमें, हमें नॉलेज लेनी है, अब वो आपको काम जरूर आएगी। हार मान के नहीं बैठना अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बस इतना सा मकसद है मेरा समझाने का। कई बच्चे हार मान के बैठ जाते हैं, सर मैंने इतनी मेहनत करी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई स्पीड चाहिए, टाइमिंग चाहिए, उस समय तबीयत ठीक होनी चाहिए। 10 सीजन होते हैं,
कई बच्चों का पेपर छूट जाता है, कई बच्चों की तबियत खराब होती है, अच्छे तरीके से एंड टाइम में पढ़ाई नहीं कर पाते, पेपर लिख नहीं पाते, बहुत सारी चीजें है ना। तो आपकी तैयारी बेकार हो गई, आपकी मेहनत बेकार हो गई, ये आप नहीं कह सकते। वो मेहनत आपकी कभी ना कभी और जरूर काम आएगी, वो आगे आपको सफल जरूर करेगी। क्लियर? तो बस ये मकसद था आज की वीडियो को समझाने का। आई होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभरात्रि।